हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके सामने एक यूजफुल डिज़ाइन लेके आई हूँ, तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। तो देखिए, मेरी कुछ वेस्ट कटिंग में से कुछ टुकड़े बच गए थे, तो इसी का हम आज डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने आज कुसुन कवर के लिए एक डिज़ाइन तैयार करना है फ्रेंड्स। तो देखिए, मेरी ये पेस्टिंग है, ये सॉफ्ट वाली पेस्टिंग है फ्रेंड्स। तो हम डिज़ाइन के लिए हम एक ही शेप में डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए, ये मैंने एक ग्लास ले लिया। अब इस ग्लास को आप डिज़ाइन अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ग्लास को हम इस तरीके से रखेंगे और इस ऐसे हम आप चौक की मदद से या जैसे भी, मैं पेन से इस पर निशान लगा रही हूँ फ्रेंड्स, तो आप भी जैसा चाहे वैसे निशान लगा लीजिए। तो देखिए, ये गोल गोल ऐसे हमें बनाने हैं। अगर आपके पास ये, अगर आपको इससे छोटा बनाना है तो आप एक बोर्ड का इस्तेमाल कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो बोर्ड से भी यही होगा फ्रेंड्स, जैसे हम इस बोर्ड को रखेंगे। ये देखिए, मेरे बोर्ड से भी बन गया है। आपको ये जितना छोटा बड़ा करना है उतना कर सकते हैं। ये आपको जितने साइज का भी चाहिए उसी हिसाब का कोई गोल आकार का बर्तन ले लीजिएगा फ्रेंड्स, या कोई ढक्कन वगैरह जो भी हो, अवेलेबल हो वो ले लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे गोल गोल। तो देखिए, मैंने काफ़ी सारे कट कर लिए फ्रेंड्स। तो ये मेरे 25 पीस तैयार हो गए फ्रेंड्स। मैंने ये 25 पीस लिए हैं क्योंकि जितना मुझे डिज़ाइन चाहिए वो मेरे 25 पीसों में तैयार हो जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स हम लाइन से लगाएंगे इसको, देखिए इस तरीके से। तो हमारा डिज़ाइन तैयार होगा इसी तरीके से, लाइन से लाइन। तो डिज़ाइन हम बाद में तैयार करेंगे फ्रेंड्स। जैसे ही अब हमारे पीस हो गए, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक पीस लेंगे और ये जो हमारी पेस्टिंग है हमें इसके ऊपर रखना है और इस पर प्रेस कर लेना है। प्रेस करके इसको मैं अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। प्रेस करने के बाद इसको हम गोल गोल कट कर देंगे मार्जिन छोड़ के। तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाने के लिए दो तैयार कर लिए हैं। तो इस तरीके से हमें, देखिए पीछे से भी इस तरीके से, और फिर इसके बाद आप इसको ऐसे लॉक कर दीजिएगा। इस पर आप धागे से इसको बंद कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सुई ले ली है। अब हम इसे इस तरीके से सिल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, हमें ये अंदर की तरफ कपड़ा कर देना है जिससे कि हमारी बाहर की शेप खराब ना हो। बाद में हम इस धागे को, इस थ्रेड को हम निकाल देंगे। ये सिर्फ इस सिलाई को रोकने के लिए फ्रेंड्स। अगर आप पिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप पिन का भी इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये भी ऑप्शन आपके लिए अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। तो आपको जिस तरीके से इजी लगे आप उस तरीके से कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। कुछ चीज़ें हम मेहनत से बनाते हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, मेरा ये तैयार हो गया फ्रेंड्स। देखिए, ये मेरा तैयार हो गया फ्रेंड्स। देखिए पीछे से, जब आप इसको इस तरीके से कर लें तो पीछे भी एक बार प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, ताकि ये हमारा अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो मैंने आपको ये बता दिया फ्रेंड्स। अब हम सारे पीस ऐसे ही कलरफुल कर लेते हैं फ्रेंड्स, और फिर इसके बाद हम डिज़ाइन सेट करेंगे। तो हम ऐसे ही ये सारे पीस कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे कंप्लीट हो गए हैं। मैंने इनको इन पर कच्चा कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कुशन कवर जितना फ्रंट कपड़ा लेंगे। ये देखिए, मैं इनको साइड में कर लेती हूँ, फिर इसको बिछा देती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा 17 इंच का पीस है, 17 इंच की लंबाई और चौड़ाई, तो ये 17 इंच का पीस हो गया। अब ये हमारे जो पीस है, अब मैं इस पर डिज़ाइन सेट कर लेती हूँ। तो मैं पहले डिज़ाइन सेट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डिज़ाइन लगा लिया है, जो भी कलर सेम है वो थोड़ा दूर दूर लगा लिए हैं, और देखिए अच्छी तरीके से मेरा ये लग गया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, अब हम इन सारे जो हमारे पीस हैं उन सब पे पिनअप कर लेंगे, ताकि हमारे ये डिज़ाइन जब हम इसको सिले तो हमें सिलने में परेशानी ना हो, या फिर आप इसको चिपकाना चाहते हैं तो चिपका सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं इस पर सिलाई करूँगी, तो मैं इस पर पिनअप करूँगी। तो पहले हम साइड साइड की एक एक इंच की लाइन लगा लेंगे फ्रेंड्स, और बाकी ये डिज़ाइन हम बीच में ही लेंगे, जो हमें पता रहे कि हमारा एक एक इंच साइड साइड में लाइन का पता चले जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लाइन लगा ली है, और मैंने डेढ़ डेढ़ इंच पे लाइन लगाई है, क्योंकि आधा इंच हमारा फ्रेंड्स अंदर सिलाई में चला जाएगा और बाहर हमारा एक इंच रहेगा फ्रेंड्स। तो देखिए, ये मेरी डेढ़ डेढ़ इंच की लाइन मैंने लगा ली है, अब हमें इनको सिलना है। तो अब मैं इन पर पिनअप कर लेती हूँ, और पिनअप करने के बाद हम इसे सिलेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर पिनअप कर लिया है, अब मैं इसको राउंड राउंड सिलूँगी फ्रेंड्स। तो पहले ऐसे करके सिलेंगे, इन सब पे राउंड राउंड करके सिल लेंगे। तो हम मैचिंग का थ्रेड यूज नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम एक ही चूज कर रहे हैं। तो हम वाइट कलर का थ्रेड इस्तेमाल करेंगे, और नीचे हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ये सब सिल लेती हूँ फ्रेंड्स, तो फिर मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो देखिए, मैंने जैसे सिला है ऐसे ही सिलना है। तो मैं बाकी के सारे सिल लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारा सिल लिया है, और बिल्कुल अच्छी तरीके से फिनिशिंग से सिल गया है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हमारा ये कुशन कवर तैयार हो गया। तो आप भी ऐसे ही कुछ ना कुछ इन डिजाइनों का यूज कीजिए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।